वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। कल का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। कल वॉर ऐसे नंबर्स हमारे सामने प्रस्तुत करेगा जो हमें जिंदगी भर याद रखने पड़ेंगे। गाइस, वॉर विल मेक इट इट द रिकॉर्ड लिस्ट एट नंबर वन। यस फ्रेंड्स, वॉर कल वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा पहले हफ्ते में जो कि इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं कमाए थे, नहीं देखे थे। एंड आज का दिन अनएक्सपेक्टेड, अगर आज 22 से 24 करोड़ भी आता था तो इट वुड हैव बीन रियली अमेजिंग। लेकिन वॉर की जो दीवानगी है, वॉर का जो पागलपन है, वो इस कदर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है कि हर एक दिन एक नया सबक है, एक नई सीख है ट्रेड के लिए कि वॉर के कलेक्शंस डिस्पाइट गेटिंग सो मेनी नेगेटिव रिव्यूज, यस फ्रेंड्स, सो मेनी नेगेटिव रिव्यूज, जनता ने इस फिल्म को अपने सर पर बिठा दिया है। लाइक कबीर सिंह, जिसको क्रिटिक्स लोगों ने लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर चीरा था, वॉर भी इसी तरह के फेट से गुजरती थी। लेकिन शाम को ही वर्ड ऑफ माउथ आ गया कि फिल्म के एक्शन सीन जबरदस्त है, फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो एक्शन सीन्स है, जिस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है ऋतिक एंड टाइगर बोथ पे, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार फिल्म ओके लगती है, दूसरी बार बाप लगती है, तीसरी बार दादाजी लगती है, एंड चौथी बार जब आप जाते हो तो आप थिएटर में पागल हो जाते हो। ये वॉर का जलवा मेरा भाई। रिपीट ऑडियंस इज व्हाट हैज मेड वॉर व्हाट इट इज राइट नाउ। एंड गाइस, मैं आपको इतना बता दूं कि वॉर के जो फुटफॉल्स है, यस फ्रेंड्स, आज के दिन भी वो 20 लाख के ऊपर आए हैं। एंड अभी तक वॉर के जो फुटफॉल्स है वो ऑलमोस्ट 1.52 करोड़, यानी कि 1.52 करोड़ टिकट्स हैव बीन सोल्ड फॉर वॉर इन जस्ट 7 डेज। बड़ी बड़ी फिल्मों के इतने टिकट्स लाइफ टाइम में बिकते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, वॉर ने 7 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आई सेड इट 3 डेज बैक एंड हियर इट हैज हैपेंड। सिर्फ 200 करोड़ ही नहीं, बल्कि मिशन मंगल एंड भारत का जो लाइफ टाइम है, यस फ्रेंड, मिशन मंगल एंड भारत के लाइफ टाइम रिकॉर्ड्स को यस वॉर ने तोड़ दिया है। एंड इस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनने के कगार पर है। इसके बाद बस उरी और कबीर सिंह है जिसका रिकॉर्ड भी वो आने वाले दिनों में तोड़ देगी। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दिल्ली में 1187 शोज, यानी कि 1187 शोज है। कल की जो ऑक्यूपेंसी थी दिल्ली में वो 40% की थी, एंड आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो 55% की है। मुंबई में 1309 शोज है, 29% was the occupancy yesterday, and आज की जो occupancy है वो है 41%, massive jump। पुणे की बात करें, पुणे में 514 shows है, कल पुणे में 27% की occupancy थी, and आज 32%। कोलकाता yesterday was 87 और आज 94, कोलकाता में 314 shows है। बेंगलुरु jumped from 59 to 70, and इसी का कारण है my prediction for war ऑन इट्स 7th डे 27 से 28 करोड़। यस मेरा भाई, 27 to 28 करोड़ रुपीज, बिलीव इट और गो, यही बोलना चाहता हूं। 27 और 28 करोड़ अगर एक फिल्म कमा देती है तो मात्र 7 दिनों में वॉर बिकम्स द रिकॉर्ड होल्डर। 214.75 करोड़ रुपए फिल्म कल कमा देगी। माई बेट इज 215 करोड़ कमाने के लिए फिल्मों को 30-30, 40-40, 50-50 दिन लगता है। कितने हीरो की फिल्म 215 करोड़ का शक्ल भी नहीं देखी उन्होंने, लेकिन वॉर ने ये 7 दिनों में कर दिखाया है। जब रणबीर कपूर, रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स ऐसे नंबर्स अचीव करते हैं तो बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनने मिली है कि अरे बच्चे हैं, अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, एक दो फिल्में, जबकि उन्होंने 2-3 फिल्में दी हैं, लेकिन एक दो फिल्मों को देखकर कोई बाप नहीं होता। अब ऋतिक रोशन के साथ भी यही कहोगे क्या? वो बेटा बहुत पुराना एक्टर है और उसने पहले भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ओपनिंग्स दे चुकी है, उसकी फिल्में आइकॉनिक फिल्में हैं, वो ये लीग में नहीं आता। तो इस बार तुम्हारा वो जो कार्ड था कि ये तो नया एक्टर है, अगली बार नहीं चलेगा, वो काम नहीं होने वाला। दिस मैन ऋतिक रोशन वॉज द ओनली कंटेंडर टू गिव टफ कॉम्पिटिशन टू द खान्स राइट फ्रॉम 2000, जब उसकी लॉन्च हुई थी कहो ना प्यार है। उस साल ही मेला, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, ये सारी फिल्में वो टाइम पर आई थी, एंड राइट फ्रॉम कहो ना प्यार है दिस पर्सन इज गिविंग कॉम्पिटिशन टू एवरीबडी।
एंड गाइज इसी का कारण है कल ये फिल्म हाईएस्ट 7 डे ग्रॉसर बन जाएगी ऑफ ऑल टाइम। बाहुबली 2 को साइड में रख दो, वो फिल्म अलग ही अजूबा है, कमाल है, वैसा रिपीट वापस हो नहीं सकता। तो गाइज मॉर्निंग में आज ये फिल्म 34% पे ओपन हुई अर्ली मॉर्निंग शोज, आफ्टरनून होते होते दिस फिल्म जम्प्ड टू 46 to 49 एंड इवनिंग दिस फिल्म जम्प्ड टू 52 to 60 एंड रात के शोज 65% पे चल रहे हैं। मैं और फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को और इस बड़े अचीवमेंट का एहसास दिला सकूं कि ये फिल्म ने क्या कमाल कर दिया है बॉक्स ऑफिस पे। एंड लिटरली बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं हर एपिसोड में सिर्फ ऋतिक रोशन को क्रेडिट देता हूँ। भाई थंबनेल में टाइगर श्रॉफ है, टाइटल में टाइगर श्रॉफ है, सबको पता है पिक्चर में टाइगर श्रॉफ है, नो बडी कैन टेक द क्रेडिट फ्रॉम टाइगर श्रॉफ, ही हैज परफॉर्म्ड स्प्लेंडिडली। जब बहुत सारे क्रिटिक्स टाइगर श्रॉफ की तारीफ नहीं कर रहे थे, मेरा रिव्यू जाके देखो, मैंने टाइगर श्रॉफ को इमेंसली प्रेज किया है और मैंने पहले शो में ही बोल दिया था, फर्स्ट शो में सुबह 7 बजे की फिल्म देखकर रिव्यू देना बहुत टफ होता है। तुम लोग बाद में ट्विटर पे इसने अच्छा बोला तो अच्छा बोल देंगे और उसने खराब बोला तो खराब बोल देंगे, ये करना बहुत आसान होता है सुबह 7 बजे जब जनता ने फिल्म देखी नहीं है, उसके बाद घर पे आके 10 बजे रिव्यू देना, दैट्स द रियल डील मेरा भाई। एंड तभी मैंने बता दिया था कि ये फिल्म स्काई इज द लिमिट। पर फ्रेंड्स अभी 300 करोड़ कब जाएगी ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो हमें कुछ ही हफ्तों में पता चल जाएगा। ओके गाइस एपिसोड पसंद है तो क्या करना है, लाइक करो, इनको एपिसोड नहीं पसंद आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सच्चाई बताया हूँ, अपने से कुछ बना के नहीं बताया हूँ। एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।